दोस्तों, अगर आप अपने एब्स मसल्स को विजुअल करना चाहते हैं, अपने बेली एरिया को कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप घर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं और कटदार एब्स बना सकते हैं। जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी ओवरऑल बॉडी से फैट को खत्म करती है, साथ ही हमारे एब्स मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे ओब्लिक मसल, उसके साथ में हमारे एब्स मसल, ये दोनों मसल काफी तेजी से ट्रेन होती हैं और हमारे एब्स मसल धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज है फ्लैटर किक्स। इसमें सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाएं और कुछ इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर और नीचे करें। यह एक्सरसाइज हमारे कोर एरिया को स्ट्रांग बनाती है, जिससे हमारी एब्स मसल काफी तेजी से ग्रो होने लगती है। उसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज है लाइंग लेग रेज। इसमें जमीन पर लेटकर अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लें, फिर अपने कोर एरिया को टाइट करते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे नीचे करें। जब पैरों को नीचे करें तो पैरों को फ्लोर से टच ना करें। यह एक्सरसाइज लोअर एब्स के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारी चौथी एक्सरसाइज है वी सिटअप। इसे आप बेंच पर बैठकर भी कर सकते हैं और नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें बी शेप में बैठ जाएं, उसके बाद अपनी चेस्ट को नीज की तरफ लाएं और नीज को चेस्ट की तरफ लाएं। इससे अपर एब्स और लोअर एब्स दोनों तेजी से बनते हैं। इसके बाद पांचवी एक्सरसाइज है बाइसिकल क्रंचेज। कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। यह एक्सरसाइज हमारे ऑब्लिक एब्स के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारी छठी एक्सरसाइज है नॉर्मल प्लैंक। यह वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये सिर्फ एब्स के लिए ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इससे हमारे पेट का फैट तेजी से खत्म होता है और हमारे एब्स तेजी से विजिबल होने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।